Assalamualaikum. So today's topic is respiratory system of man. अब हमने man के अंदर यानी human beings के अंदर respiratory system किस तरीके से work करता है वो उसके बारे में study करनी है. So respiratory system is consist of respiratory system of man. Human being का respiratory system किसके ऊपर consist करता है? That is consist of air passage ways and lungs. Air passage ways means वो passage जहाँ से air transfer होती है और lungs के ऊपर ये जो है वो consist होता है. सो लंग्स जो इनक्लोज होते हैं वो थोरैकिक कैविटी के अंदर जो है वो इनक्लोज होते हैं एंड दे हैव इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है थोरैकिक कैविटी. सो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है मेन का वो कंसिस्ट होता है एयर पैसेज वेज के ऊपर एंड सेकेंड जो है वो लंग्स के ऊपर कंसिस्ट करता है. फिर हमने जाना कि लंग्स के अंदर जो होती है थोरैकिक कैविटी और इसके साथ साथ इंटरकोस्टल मसल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. डेट इज़ अ टाइप ऑफ अ मसल्स. वन बाय वन एयर पैसेज वेज को स्टडीज करते हैं कि एयर पैसेज वेज कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले जो एयर पैसेज वे है वो है नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल इज द ओपनिंग थ्रू विच एयर इज ड्रॉन इन. नॉस्ट्रिल एक ऐसी ओपनिंग है जिसके जरिए एयर जो है वो बॉडी के अंदर इन होती है एंड इट इज ड्रॉन इन टू नेसल कैविटी. नेसल कैविटी क्या है? नेसल कैविटी द कैविटी ऑफ नोज. नोज की कैविटी को नेसल कैविटी कहा जाता है. फिर एयर पास होती है फेरिक्स के अंदर. डेट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर. जो कि फूड एंड एयर का कॉमन के पास जो है वो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स. सो नॉस्ट्रिल के अंदर हमने जाना कि एयर इसके जरूर इन होती है बॉडी के अंदर नेसल कैविटी के अंदर, जो कि नेसल कैविटी इज द कैविटी ऑफ नोज. नोज की कैविटी को नेसल कैविटी कहा जाता है. फिर एयर पास होती है इनटू फेरिंग्स दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड फूड एंड एयर. फूड का और एयर का हम डाइजेशन सिस्टम में भी पढ़ के आ चुके हैं कि ये कॉमन पैसेज है. जब फूड इन हो रहा होता है तो ग्लॉटिस ओपन हो जाता है, जैसे फूड इन हो जाता है. और जब एयर इन हो रही होती है तो उस हिसाब से ग्लॉटिस इन ओपन हो जाता है जिससे एयर जो है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है. अब ग्लॉटिस के बाद जो है वो है एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस द कार्टिलेजियस फ्लॉप दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ट्रेकिया. एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजियस फ्लॉप है जो कि फूड को ट्रेकिया के अंदर दाखिल होने से रोकती है. क्योंकि फूड पाइप के अंदर इन होगा और ट्रेकिया इसके अंदर होगा. लेकिन हमने जाना कि लैरिंग्स की दो ओपनिंग होती है, एक ट्रेकिया एक फूड पाइप. तो फूड को उसी पाइप में जाना होता है और ट्रेकिया को एयर पाइप के अंदर ही रहना होता है कि एयर सिर्फ ट्रेकिया से पास हो और फूड हमेशा फूड पाइप से पास हो. उसके बाद एयर जाती है इनटू लैरिंग्स. सो लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स दैट ईच लेयर इनटू फ्लेक्सिबल एयर डक्ट कॉल ट्रेकिया. फिर जो लेयर लैरिंग्स है साउंड बॉक्स कहा जाता है वो एयर को एक फ्लेक्सिबल एयर डक्ट यानी एक हवा की नाली के अंदर एयर को भेजती है जो कि कहलाती है ट्रेकिया. ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया इज द विंड पाइप जिसके अंदर एयर जो है वो जाती है. इट कंटेन्स सी शेप कार्टिलेजियस रिंग. और इसके साथ साथ ट्रेकिया के अंदर जो है सी शेप कार्टिलेजियस मतलब सॉफ्ट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है. इसके बाद इसके अंदर होते हैं ग्लोबलेट सेल्स. ये सेल्स वो सेल है जो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस. म्यूकस क्या होता है? हम प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में स्टडी करके आ चुके हैं. एक ऐसी लेयर है जो कि प्रोटेक्टिंग का काम करती है. तो उसके बाद आती है ब्रोंचिया के ऊपर. ब्रोंचिया इज द ट्रैक डिवाइडिंग इनटू टू ब्रांचेस. जो ब्रोंचिया है वो डिवाइड हो जाती है आगे दो ब्रांचेस के अंदर जिसे ब्रोंक कहा जाता है और सिंगल वो ब्रोंकस कहलाती है. फिर ईच ब्रोंकस इनटू अ लंग. तमाम हर एक जो ब्रोंकस है वो एयर के अंदर इंटर होती है. तो हमने जाना कि गॉबलेट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि मुक्कस प्रोड्यूस करते हैं. उसके अंदर ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है. फिर ब्रोंकाई क्या है? ट्रेकिया जो है डिवाइड हो गया आगे दो ब्रांचेस के अंदर. इसे ब्रोंक कहा जाता है और सिंगल ब्रोंकस कहलाती है. फिर हर ब्रोंकस जो है वो लंग के अंदर ओपन होता है यानी कि हर ब्रोंकस लंग के अंदर इन होता है. लंग क्या है? लंग इज अ सॉफ्ट स्पंज हाईली वस्कुलाइज स्ट्रक्चर. ये एक सॉफ्ट स्पंजी लाइक का स्ट्रक्चर है वो हाईली वस्कुलाइज है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रेसेस प्रेजेंट होती है जिसके अंदर ब्रोंके भी इसके अंदर आके इंटर होता है. इसके बाद जो है राइट लंग जो है उसके अंदर 3 लॉब्स प्रेजेंट होती है जबकि जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर 2 लॉब्स प्रेजेंट होती है. हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पेयर ऑफ लंग मौजूद होता है, 2 लंग्स मौजूद होते हैं जबकि राइट लंग है उसके अंदर 3 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं. जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं. फिर लंग इज इनक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन का प्लीयरा. लंग जो है वो इनक्लोज होते हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर. वो मेम्ब्रेन कहलाती है प्लीयरा. और उसकी जो कैविटी है प्लीयरा की कैविटी वो प्लीयरल कैविटी कहलाती है. इन ईच लंग ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस का ब्रैंक्यूल्स. हर लंग के अंदर जो ब्रोंकस है वो डिवाइड होता है ब्रांचेस के अंदर जो कि ब्रैंक्यूल्स कहलाती है. अब ब्रैंक्यूल का क्या फंक्शन है? इट इज टर्मिनेट एट टिनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एयर सैक.
ये जो है वो टर्मिनेट होती है एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और वो स्ट्रक्चर्स है एयर सैक्स। यहाँ पे हमने जाना कि राइट लंग के 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग के 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और लंग इनक्लोज होते हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर, जो मेम्ब्रेन कहलाती है पिलुएरा, और इसकी कैविटी कहलाती है पिलुएरल कैविटी। हर लंग के ऊपर ब्रोंकस डिवाइड होता है छोटे ब्रांचेस के अंदर, जो कि कहलाती है ब्रांक्यूज। अब ब्रांक्यूज का क्या काम है, ये जो है टर्मिनेट करती है टिनी स्ट्रक्चर, छोटे से स्ट्रक्चर को टर्मिनेट करती है, जो कि एयर सैक्स कहलाते हैं। अब इसके बाद जो एयर सैक्स है वो क्या है, वो एक रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस अक्कर होता है। सो एयर सैक्स इज द रेस्पिरेटरी सरफेसेस वेयर गैसेस एक्सचेंज अक्कर। एयर एक रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जाती है एयर एल्वियोली में, जो कि कंटेन करते हैं लंग्स सर्फेक्टेंट दैट रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट फ्रॉम क्लासपिंग। जो कि लंग्स सर्फेक्टेंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसका काम क्या है, वो उसका काम है कि वो सरफेस टेंशन को कम करती है और एयर को कोलैप्स होने से बचा लेती है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, जिसके अंदर हमने जाना कि ये लंग के ऊपर एयर पैसेज वेज के ऊपर कंसिस्ट होता है, और उसके साथ साथ फिर हमने आगे लंग्स और लंग्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं जहाँ से एयर जो है प्रोड्यूस होकर रेस्पिरेशन का प्रोसेस अक्कर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।